किचन टिप्स जो बनाए आपको किचन क्वीन। किचन में कर रहे हैं पहली बार एंट्री तो कुकिंग के ये 10 गुर रखें ध्यान। क्या आपको खाना बनाना मुश्किल लगता है? अब नहीं लगेगा अगर हमारे बताए इन 10 टिप्स को ध्यान में रखेंगी। तो खाना बनाना एक कला है और कुछ ही लोग हैं जिन्हें इसकी महारत हासिल होती है। कुछ लोग किचन में इसलिए कम जाते हैं क्योंकि उनके लिए खाना बनाना बेहद मुश्किल काम होता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो पहली बार किचन में कदम रखने जा रहे हैं तो आपको कुकिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर ध्यान होने चाहिए। अगर आप इन गुरुओं को सीख लें तो हमें यकीन है कि आप भी बेहतर तरीके से कुकिंग करने लगेंगे। कुछ बेसिक और छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान रखें और जब अगली बार किचन में जाएं तो इन्हें आजमा कर ही खाना बनाएं। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स है क्या? सबसे नंबर एक पर है अदरक छीलना। अदरक छीलना वो भी बिल्कुल साफ छीलना। कैसे? लहसुन को तो छीलना आसान होता है मगर अदरक के छिलके को निकालना या निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप इस मुश्किल से गुजरे हैं तो आसान ट्रिक है आपके लिए कि आपको किसी स्पून की मदद से यानी चम्मच की मदद से पील करें, इसको छीलें। अदरक आसानी से पील हो जाएगी। थोड़ा देर भिगा दें तो और अच्छा हो जाएगा। भिगा करके छीलें, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। टिप्स नंबर 2, ऐसे तैयार करें एग वॉश। एग वॉश बनाने के लिए एक बड़े अंडे को एक बाउल में डालें और उसमें एक चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह से फेंटें। बेकिंग करते वक्त केक पेस्ट्री जैसी चीज़ों को सील करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी इसकी ट्रिक यानी पानी डालना ये चीज़ याद रखना चाहिए। ट्रिक नंबर 3, टमाटर पील करना। टमाटर को कैसे छीलें? अब चटनी वगैरह बनाने के लिए अगर पील किया हो टमाटर तो होगा, तो आप क्या करेंगे? इसका सबसे आसान तरीका कि टमाटर के टॉप पर उसके ऊपर चाकू से क्रॉस का कट लगाएं। इसके बाद एक पैन में गर्म पानी डालकर 15 से 20 सेकंड टमाटर को पकाएं। अब इसे ठंडा करके छील लें। नंबर 4 ट्रिक, क्रिस्पी पूड़ियों के लिए। अगर आपकी पूड़ियाँ एकदम सॉफ्ट हो जाती है यानी कि मज़ा नहीं आता खाने में और आप उन्हें क्रिस्पी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ये ट्रिक आजमाएं। पूड़ी के लिए आटा गूंथते वक्त उसमें 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच रवा यानी सूजी को मिक्स कर लें। उसके बाद पूड़ियाँ बनाएं, एकदम क्रिस्पी होगी। नंबर 5, ट्रिक नंबर 5, पास्ता और नूडल्स बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि पास्ता या नूडल्स बनाते वक्त वो अलग अलग रहें और चिपके नहीं तो इसके लिए ये ट्रिक आजमाएं। नूडल्स या पास्ता को उबालने के फौरन बाद ठंडे पानी के नीचे रखें, टैप खोल दें, उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लें। इस टेक्निक से आपका पास्ता बिल्कुल अलग अलग रहेगा, चिपकेगा नहीं। और जब भी बॉयल करें थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर करें और 2-4 बूंद उसमें ऑयल की भी डाल दें। नंबर 6, ट्रिक नंबर 6, पनीर को सॉफ्ट बनाने के लिए। अगर पनीर को कोई सब्ज़ी बनाने जा रही है तो पनीर को पहले गर्म पानी में नमक डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इससे आपका पनीर एकदम सॉफ्ट रहेगा। गर्म पानी का उसमें नमक पड़ा हुआ तो वो पनीर को नम कर देगा और ग्रेवी को आसानी से अब्सॉर्ब कर लेगा। ट्रिक नंबर सात, ऐसे पकाएं दाल। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपको दाल पकाने में आसानी होगी। दाल में ज़्यादा पानी पड़ जाए तो वो कुकर में से बाहर निकलने लगती है। इसके लिए ऊपर से कुछ बूंदे तेल की और 1/2 चम्मच नमक डालें। इससे पानी कुकर के बाहर भी नहीं आएगा और दाल भी जल्दी पकेगी। ट्रिक नंबर 8 यानी 8 नंबर, ताकि ना जले मक्खन। अगर आप किसी चीज़ में मक्खन का यूज़ कर लें तो पैन तेज़ गर्म हो तो उसमें मक्खन डालते ही जलने लगता है। मक्खन को ज़्यादा ब्राउन या जलने से बचाने के लिए नींबू की 1-2 बूंद टपका दें, नींबू का रस मिला दें। इससे आपका ज़्यादा भूरा होने से मक्खन बच जाएगा।
ट्रिक नंबर 9 यानी 9 नंबर। सभी सामग्री रखें तैयार। जब भी आप खाना बनाने जा रहे हैं सारी प्रिपरेशन पहले कर लें, फिर बनाना स्टार्ट करें। पहली बार खाना बनाते वक्त आप चीज़ों या सामग्रियों को ना भूलें। इसके लिए सारी सामग्रियों और मसालों को नाप करके पहले ही अलग अलग कटोरी में रख दें। जब आप सारी तैयारियां पहले से करके रखेंगी तो खाना बनाने में आसानी होगी और आप चीज़ों को भूलेंगी भी नहीं। तो ये छोटी छोटी टिप्स आपके बहुत काम आने वाली है। नंबर 10 है, ट्रिक नंबर 10, इस तरह करें सॉटी। जैसे किसी चीज़ को आपको भूनना है उसके लिए सॉटी करना है, तो कुछ लोग कढ़ाई या पैन को गर्म करके बिना ही उसमें तेल और सब्जियां डाल देते हैं और पकाने लगते हैं। ये गलत तरीका है। आपको पहले कढ़ाई को तेज़ गर्म करना चाहिए, उसके बाद तेल गर्म करना चाहिए और फिर अपनी सब्जियों को डालकर सॉटी करना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको भूनना हो तो इसी तरह से करें। ये आसान सी चीज़ें आपने सीख ली तो आपके लिए कुकिंग करना भी बहुत आसान हो जाएगा। आपको ये वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसे ही अन्य यूज़फुल वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, यानी रोज़ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।